सोमालिया कजाकों के हथों अगवा थीवन वाले चार पाकिस्तानियों समेत 22 अफराद को 21 करोड़ का तावान देवन तो बाद रिहा करा दिया गया। रिहा थीवन वाले 22 अफराद भारत के भी 6 बशिंदे शामिल हैं जिन्हों को हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों और आवाम के माली तावन तो बाद कामयाबी के नाल रिहा कराया गया। सोमाली कजाकों की कैद चों रिहा थीवन वाले अफराद पाकिस्तानी कैप्टन सैयद वसी हसन, मुजम्मिल मुहम्मद आलम और अली रहमान जड़न जो 6 भारती, 11 मिसरी और 1 श्रीलंकन बाशिंदा शामिल है। गुजरेल डी ई हवाले नाल गवर्नर हाउस कराची गवर्नर सिंह डॉक्टर इशतुल इबाद, इंसानी हकूक के कारकुन इंसार बन्नी और सिटीजन पुलिस लायजन कमेटी के सरबराह अहमद चनाए की थीवन वाली खसूसी मुलाकात सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी टैलीफोन से रिहा थीवन वाले मगवी अफराद लवाहकीन नाल गाल मुहाड़ की आखा जो जरूरत पवन से हर पाकिस्तानी दे नाल हैं। इस पूरे वाक्य ने इस पूरी चीज़ को साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का मैं शुक्र एक मतलब फिर अदा कर रहा हूं उसने ये काम हमसे लिया और हमें सुरप्रूव भी किया। ई मौके पर टेलीफोन से लंदन तो मुतहदा कौमी मूवमेंट के सरबराह अल्ताफ हुसैन भी खिताब किया और आखा जो पाकिस्तान ने भारतीय बशिंदियों समेत दूजे अफराद को भी रिहा कराते साबित कर दिते जो पाकिस्तान इंसानियत से यकीन रखेंदे और भारत को भी चाहिए जो वह भी इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करे जड़ा जो शरपसंद अनासर हर जाते मौजूद होंगे हैं। ई मौके पर नायना आलम जी कैप्टन मुहम्मद आलम की धी हैं उन्हें अपने वालिद नाल टेलीफोन से गाल की। इन दौरान गवर्नर सिंह समेत तमाम शुरका दी अखी नम थी गया हन। लेकिन आज इनके आंसू देख के मेरे भी आंसू निकल आए और शायद गवर्नर सिंह डॉक्टर इशतुल इबाद खान साहब भी बड़ी देर से अपने आंसू पोंछते रहे लेकिन ये आंसू जो थे इस कौम के लिए थे, इस धरती के लिए थे, इस माँ के लिए थे। ये मौके लवाहकीन दाखन है जो गुजरेल अगस्त के महीने तो जहनी अजियत मुबतला हैं पर हूँ उन्होंने दिली खुशी मिली है जड़ा जो ये मौके पर नायला आलम ये पूरी कावश मदद करने वाले का शुक्रिया भी अदा किया। असल खुशी क्या होंगी है इन गल का अंदाजा इन्हें रिहा थीवन वाले मगवी अफराद के लवाहकीन की खुशी न लाया बन सकते। हुकूमत आवाम ने मिलते जड़ी मुनजम कोशिश की है इन जज्बे की साढ़े मुल्क भी इं वे अशद जरूरत है। कैमरामैन अजहर भट्टी के नाल जावेद हुसैन रोही टीवी कराची।